वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि सारंग के कान्हा जी का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखा है, आप उस ब्लॉग को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गाइज, आज के ब्लॉग में मैं उन मदर्स के लिए जो इस जन्माष्टमी माँ यशोदा के गेटअप लेना चाहती हैं, उनके लिए आज का ये ब्लॉग है। स्पेशली आज उन मदर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने ये गेटअप ली है और किस तरीके से आप भी जन्माष्टमी माँ यशोदा की गेटअप ले सकती हैं। जब आप माँ यशोदा की गेटअप लेती हैं तो आप लाइव परफॉर्म करके अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में समझा सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के दुलारे थे, कैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन प्यारा था, कैसे भगवान श्री कृष्ण जी माखन के लिए मैया यशोदा को परेशान करते थे, कैसे माँ यशोदा जी प्यार प्यार में कान्हा जी के कान खींचती थी। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ से आप अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में अच्छे से समझा सकती हैं। तो सबसे पहले गाइस देख लेते हैं कि माँ यशोदा की गेटअप के लिए हमें किन एक्सेसरीज की ज़रूरत होगी। माँ यशोदा की गेटअप के लिए सबसे पहले हमें जिसकी नीड होती है वो है एक लहंगा। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी लहंगा साड़ी है जो कि मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थी। आज इसी का यूज़ करके हम माँ यशोदा की गेटअप लेंगे। इसके साथ साथ माँ यशोदा की गेटअप के लिए आप बाकी की एक्सेसरीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी कुछ रिंग हैं, नेल पेंट जो इसी से मैच करते हुए हम यहाँ पर आज यूज़ करेंगे। माँ यशोदा की गेटअप के लिए सबसे ज़रूरी जो एक्सेसरी होती है वो है माथा पट्टी। आप यहाँ पर माथा पट्टी गाइस देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बाजूबंद। कुछ एक्सेसरीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल होती हैं और कुछ ही फेस्टिवल पर अच्छी लगती हैं, कुछ ही फेस्टिवल पर उनकी ग्रेस आती है। इसी तरह की एक एक्सेसरी है यहाँ पर नोज़ रिंग, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर एक चौकर और लॉन्ग नेक पीस देख सकते हैं। और माँ यशोदा की गेटअप के लिए एक और एक्सेसरी का हम यहां पर यूज़ करेंगे, वो है कमरबंद। आप यहां पर ये कमरबंद देख सकते हैं। एंड यहां पर एक फुटवेयर जिसका यूज़ हम करेंगे। सो गाइज, ये है वो सारा मटेरियल जिस मटेरियल की हेल्प से आज हम माँ यशोदा की गेटअप लेंगे। सो गाइज, ये थी वो सारी एक्सेसरीज जिनका यूज़ करके हम माँ यशोदा की गेटअप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि माँ यशोदा के गेटअप के लिए आप किस तरीके से मेकअप करें, चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी लहंगा साड़ी का ब्लाउज वियर कर लिया है। गाइज, आप लोग भी जब भी लहंगा साड़ी या लहंगा वियर करें तो उसका ब्लाउज पहले से ही वियर कर लें, ताकि मेकअप के लिए जब आप अपनी आई शेडो का कलर चूज करें या फिर अपने लिप कलर की शेड चूज करें तो आपको हेल्प हो जाएगी कि आप किस तरीके की आपको शेड चूज करनी है। तो गाइज, ये बात जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मेकअप करते हैं फिर ड्रेस पहनते हैं। आप पहले ड्रेस पहनिए, अगर लहंगा साड़ी या साड़ी है तो आप साड़ी वियर ना कीजिए, खाली उसका ब्लाउज ही वियर कर लीजिए। सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र से हम अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। गाइज, आपकी स्किन अगर ऑयली है या ड्राई है, आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि अगर ऑयली स्किन होने की वजह से आप मॉइस्चराइज़र स्किप करती हैं तो स्किन नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है और अपने नेक के पार्ट को भी आपको अच्छे से कवर करना है। मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने के बाद अब हम प्राइमर का यूज़ करेंगे। गाइस, प्राइमर का यूज़ करने से आपकी स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे मेकअप आपकी स्किन को डैमेज डायरेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आपको प्राइमर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है। अब हम यहाँ कंसीलर का यूज़ करेंगे। देखिए, थोड़ी सी क्वांटिटी ही हम लेंगे।
और अब हम यहाँ पर पफ की हेल्प से डैब डैब करके अपने आईज़ के नीचे कंसीलर लगाएंगे। जिन लोगों के डार्क सर्कल हैं वो कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। एज सच मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, लेकिन कंसीलर का यूज़ करने से एक इवन मेकअप लुक आती है, इसलिए कंसीलर का यूज़ करना चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पर फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। गाइस, फाउंडेशन लगाने के लिए आप सबसे पहले अपने नेक का पार्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स अपने नेक का पार्ट भूल जाती हैं, और जब हम अपने नेक के पार्ट को कवर नहीं करते हैं तो वो फेस से अलग नज़र आती है। तो इसीलिए अपने नेक के पार्ट को भी ज़रूर कवर करना चाहिए फाउंडेशन लगाते टाइम। इस तरीके से आप डैब डैब करके पूरी स्किन पर, फेस एंड नेक पर फाउंडेशन लगा लीजिए। एंड यहाँ पर हम फोरहेड कवर करेंगे। अब हम यहाँ पर आईब्रो को फिलअप कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी आईब्रो को फिलअप कर सकती हैं। इस तरीके से शेप देते हुए अपनी आईब्रो को फिलअप करना है ताकि एक नेचुरल लुक लगे। अब हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में बेकिंग पाउडर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पर आई शेडो का यूज़ करेंगे। आई शेडो के लिए सबसे पहले गाइस आप अपनी क्रीज़ बना लीजिए, और क्रीज़ के लिए आप एक लाइट कलर का यूज़ करें। देखिए इस तरीके से लाइट कलर की हेल्प से आप अपनी आईज़ की क्रीज़ बनाएंगी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। गाइस आज मैं यहाँ पर डबल आई शेडो का यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है, मेरा जो लहंगा है, उसमें ब्लू और पिंक कलर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसी कलर का चूज़ मैंने किया है अपनी आई शेडो के लिए। अभी मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, और अब यहाँ पर देखिए ब्लू एंड पिंक कलर से मैंने अपनी आई शेडो यूज़ की है। और अब मैं यहाँ पर मस्कारा का यूज़ करूँगी। देखिए, और अब मैं यहाँ पर आई लैश कलर की हेल्प से अपनी आईज़ को कर्ल कर लूँगी। देखिए बहुत ही प्यारी लुक आती है आई लैशेस की। और अब मैं यहाँ पर ब्लू काजल की हेल्प से अपनी आईज़ के नीचे आईलाइनर लगाऊंगी। ब्लू आईलाइनर बहुत ही प्यारी लुक आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब यहाँ पर आईलाइनर पेन की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्लैक आईलाइनर लगाऊंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी लुक आती है इस तरीके से आईलाइनर का यूज़ करने से। और यहाँ पर आप इस तरीके से विंग बना सकते हैं। आई शेडो एंड आई लाइनर की लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की लुक आती है। और अब हम यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। हाइलाइटर के लिए आप इस तरीके से फ़ैन ब्रश का यूज़ करेंगे, और इस तरीके से फेस को आप बनाकर फिर हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ब्लशर का यूज़ हम लिप्स के ऊपर और आईब्रो के नीचे करते हैं, जिससे आईब्रो की लुक उभर कर आती है। और अब यहाँ पर हम ब्लशर का यूज़ करेंगे। ब्लशर का यूज़ आप इस तरीके से करेंगे, नोज़ का पार्ट भी थोड़ा सा कवर करेंगे हम यहाँ पर, देखिए। और अब यहाँ पर हम लिप कलर का यूज़ करेंगे। मैंने अपनी ड्रेस से मैच करते हुए पिंक कलर का चूज़ किया है। इस तरीके से आप शेप बनाते हुए लिप कलर लगाएंगे। गाइस ये लिक्विड लिप कलर है,
इसमें एप्लीकेटर पहले से ही आता है, इसी की हेल्प से मैं अपने लिप्स को यहाँ पर शेप दे रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक आएगी लिप कलर का यूज़ करने के बाद। और अब यहाँ पर हम अपनी आईज़ को काजल से फिलअप करेंगे। सो गाइज, ये है कंप्लीट आई मेकअप लुक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लुक आपको कैसी लगी। अब गाइज यहाँ पर हम हेयर स्टाइल बनाएंगे। हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले हम पार्टीशन कर लेंगे अपने हेयर का। देखिए, पीछे के जो हेयर हैं उसकी आप एक पौनी बना लीजिएगा, ताकि जब आप आगे के हेयर से हेयर स्टाइल बनाएं तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे, वो बीच में ना आए। आप इस तरीके से एक पौनी बना लीजिएगा। और अब आगे के हेयर को हम ट्विस्ट करते हुए एक पफ बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे अपने हेयर को। और यहाँ पर हम टिक टैक पिन की हेल्प से अपने हेयर को टाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के हेयर को भी ट्विस्ट करके एक पफ बना लेंगे। और पिन की हेल्प से हम अपने हेयर को यहाँ पर टाई कर लेंगे। आप पीछे के जो हेयर हैं उन्हें ओपन कर लीजिए और फिर से एक पौनी बना लीजिए। और अब यहाँ पर हम जूड़ा बना रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइज, अब मैं यहाँ पर गजरे का यूज़ करूँगी। मेरे पास दो गजरे हैं, रेड और वाइट। मैं दोनों ही गजरे का यूज़ आज अपने लुक के लिए करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रेड गजरा लगा लिया है। रेड गजरे की लुक कुछ इस तरीके की आएगी। और अब यहाँ पर मैंने अपना वाइट गजरा भी लगा लिया है। अब यहाँ पर हम माथा पट्टी का यूज़ करेंगे। देखिए, और ये माथा पट्टी को यूज़ करने के बाद की लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने इयररिंग्स का यूज़ करूँगी। बहुत ही प्यारे लगते हैं ऐसे झुमके विद चेन। देखिए, यहाँ पर अब मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी ज्वेलरी। और अब यहाँ पर हमें बिंदी लगाएंगे। सो गाइज, अब यहाँ पर मेरी कंप्लीट लुक तैयार हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के इस ब्लॉग को देखने के बाद उन मदर्स की हेल्प हो जाएगी, उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वो माँ यशोदा की गेटअप ले सकती हैं। सो देर किस बात की है, आप भी इस जन्माष्टमी अपने बच्चे के साथ माँ यशोदा की गेटअप ले लीजिए, ताकि आपका बच्चा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अच्छी तरह से समझ सके। गाइस, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, मैं अभी भी आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 3 इयर्स अबव है तो ज़रूरी है कि उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हों। आप गाइस जब भी जन्माष्टमी का मटेरियल लेने जाते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप डेकोरेटेड मटेरियल ना लाएँ, प्लेन मटकी ले आइए, प्लेन बाँसुरी ले आइए, और फिर अपने बच्चे के साथ बैठकर उस मटके को, उस बांसुरी को डेकोरेट कीजिए। गाइस, इससे आपके बच्चे की मोटर स्किल्स तो डेवलप होगी ही, इसके साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ उसको जन्माष्टमी की फेस्टिवल का भी समझ में आएगा कि कान्हा जी बटर खाते थे, कान्हा जी को क्या पसंद था, कान्हा जी को बांसुरी बजाना पसंद था,
तो इन चीज़ों में वो खुद भी इन्वॉल्व होगा। तो आप अपने बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए, खुद उसको डेकोरेट करके सारा सामान मत दीजिए, आप उसको इन्वॉल्व करिए अपने साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब तक गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल पर मिलने वाली अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस द अपडेट्स ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।